Hello class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. From today, or maybe from next lecture, we will be starting a new series based on geometry. So, before starting that chapter, I want you to purchase some accessories which will be required in order to execute that chapter. Okay? ज्योमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये एसेसरीज परचेज करनी है, ठीक है। इन्हीं को यूज़ करके जो है हम ज्योमेट्री चैप्टर स्टडी करेंगे। तो बेसिकली मार्केट से ऐसा एक ज्योमेट्री बॉक्स आपको परचेज करना है, राइट। अगर आपको लगता है कि कुछ एसेसरीज आपके पास ऑलरेडी हैं और दो तीन एसेसरीज आप अलग से परचेस करके भी आप स्टडी कर सकते हैं, देन इट्स योर चॉइस। बट आपके पास अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स भी लाते हैं तो आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपके पास ये सारे एसेसरीज हैं या नहीं, ठीक है। सो वन बाय वन हम हर एक एसेसरी को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, जो हमें ज्योमेट्री चैप्टर को स्टडी करने में यूज़फुल रहेंगी। सबसे पहला आइटम है यहाँ पर स्केल। स्केल को हम रूलर भी बोलते हैं, ठीक है। स्केल को रूलर भी बोलते हैं। स्केल डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का आता है, ठीक है। आजकल कुछ नॉन स्टैंडर्ड साइजेस भी आने लगी है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड साइज़ का ही स्केल यूज़ करना है, ठीक है। जो नॉर्मली 15 सेंटीमीटर का आता है, 14, 13 इस तरह का मत लीजिए, और एक सिंपल सा स्केल लीजिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड रूलर किसी भी स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगा। वैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स अगर परचेस करते हैं तो उसके साथ ही आता है। अगर आप ज्योमेट्री पर बॉक्स परचेज नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो मिसिंग है कुछ आइटम, तो आप अलग से भी उसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रूलर आपको जो है आपके पास होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दैट ज्योमेट्री चैप्टर, ठीक है। सेकेंड एसेसरी है आपकी प्रोटेक्टर। सेकेंड एसेसरी आपकी है प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर स्पेशली आपको सिंपल वाला लेना है। मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोटेक्टर आते हैं जिसमें यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं, है ना, यहाँ बीच में होल होता है। आपको वैसा प्रोटेक्टर नहीं परचेस करना है, उससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है एक्यूरेट एंगल मेज़र करने में, क्योंकि यहाँ पे होल्स होते हैं तो वो एक्चुअली एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते। कई बार यहाँ होल होता है, उस वजह से वो पॉइंट पे नहीं रख पाते, तो जो मेज़रमेंट है एंगल का रोंग आ जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा प्रोटेक्टर परचेज करना है ऐसा, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, कोई भी डिज़ाइन, किसी भी तरह की डिज़ाइन या कोई भी आर्टिफिशियल डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोटेक्टर आपको लेना है। थर्ड आपका है कंपास, ठीक है। कंपास को आप हिंदी में प्रकार और ऐसे भी बोलते हैं, तो किसी भी स्टेशनरी पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा कंपास मिल जाएगा, ठीक है। इसको कंपास बोलते हैं हम, ठीक है। और ये चीज़ आप कंफर्म कीजिए कि ये हमेशा जब भी आप ज्योमेट्री यूज़ करें तो ये कंपास जो है आपका टाइट होना चाहिए, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एंगल्स बनाने में हमें दिक्कत आएगी, मेजरमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है। फोर्थ आपका है डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर किसको बोलते हैं, ये कंपास का ही एक छोटा ब्रदर होता है, छोटा भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ मेटल पॉइंटेड मेटल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, इसको डिवाइडर बोलते हैं। वैसे अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं तो डिवाइडर आता है, अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स परचेज नहीं करना चाहते तो आपको अलग से ये डिवाइडर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको स्टेशनरी की शॉप पर ईजीली मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो ये डिवाइडर हो गया आपका। उसके बाद आपको चाहिए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स, ठीक है। तो सेट स्क्वायर्स किसको बोलते हैं, अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लाएंगे अगेन तो आपके सेट स्क्वायर्स साथ में आते हैं। ये एक पेयर होता है, दो सेट स्क्वायर्स के साथ में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेट स्क्वायर्स आपको, ये एक पेयर मतलब दो सेट स्क्वायर का एक पेयर आपको परचेस करना है अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं तो नॉर्मली उसमें ये चीज़ आती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है
टू पेंसिल्स शार्पन्ड, बिल्कुल शार्प पेंसिल आपको शार्पन करके रखनी है। किस लिए? एक पेंसिल, और सबसे बेटर रहेगा एक आप दो पेंसिल में से एक पेंसिल आपकी पेन पेंसिल हो, ताकि आपको बार बार शार्प ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और एक पेंसिल के साथ आपको जो दूसरी पेंसिल चाहिए, आपकी जो दूसरी पेंसिल है वो साइज़ में छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर छोटी पेंसिल होगी तो बहुत बेटर है, ठीक है। उस पेंसिल को आपको, अगर ज़्यादा बड़ी पेंसिल होगी तो वो यहाँ टच करेगी कंपास को, ठीक है, तो उससे भी आपका जो है मेजरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम, तो आपको जो है एक शार्पन्ड पेंसिल, बिल्कुल पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से शार्प करके शार्पनर में, और आपको बिल्कुल इस तरह से लूज़ करके कंपास को अंदर पेंसिल को आपको इंसर्ट करना है। और इसको इंसर्ट करने का जो सही तरीका है, आप पेपर के ऊपर ऐसे रखिए और देख लीजिए कि जो पेंसिल है और जो मेटल पॉइंट है, ये दोनों बिल्कुल बराबर दूरी पे होने चाहिए। ये जो चीज़ है दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये और ये बिल्कुल साथ में टच होने चाहिए, ठीक है, सरफेस पर, ठीक है। जैसे आपको लगता है वो पॉइंट रीच हो गया है, जब ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह से टाइटली स्क्रू कर देना है फिर से, ठीक है। तो ये रेडी हो गया हमारा कंपास विद पेंसिल, ठीक है। तो जितनी छोटी पेंसिल रहेगी, मीडियम साइज़ है, सॉरी छोटी पेंसिल, उतना ही आपको बेटर रहेगा मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर कंपास भी थोड़ा भारी हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, और कुछ नॉर्मल चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं। ओके, आई लेट इट। सो ऑब्वियस सी बात है, इरेजर एंड शार्पनर यू शुड हैव, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर ज्योमेट्री, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 9 रहेगा, ठीक है ना, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, दैट वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट लेक्चर यू शुड हैव these accessories with you, okay? So for now I leave, and from next class we will start our geometry chapter, ठीक है। तब तक आप सभी ये accessories या तो geometry box purchase कर लीजिए, और separately you can purchase these accessories as per your choice. Till then, goodbye.